मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। एक चूना होता है, चूना जो पान में हम खाते हैं, ये बहुत अच्छी दवा है। माताओं के एड़ी में दर्द होता है तो पान वाला चूना खाया करो, दही में डाल के। कनक के दाने के बराबर चूना दही में डालो आधा कप में और खा जाओ। लस्सी में मिला के पी लो, एड़ी का दर्द ठीक कर देता है, घुटनों का भी, कमर का भी, कंधे का भी दर्द ठीक करता है। स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत खराब बीमारी है जिसकी एलोपैथी में कोई दवा नहीं, वो चूने से ठीक हो जाती है स्पॉन्डिलाइटिस। कनक के दाने के बराबर चूना दही में खाते रहो, सारी स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करे। कंधों में अकड़ हो गई, जकड़ हो गई, हिलता भी नहीं, चूना खाओ, एकदम अच्छे से साफ करेगा। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इनकी लंबाई बढ़ानी है तो चूना खिलाओ इनको, कनक के दाने के बराबर दही में डाल के, साल भर में सबकी लंबाई बढ़ी। ये बच्चों के जिनके दिमाग कम चलते हैं, अकल जिनको कम है, बुद्धि कम है, उनको चूना खिलाओ, बहुत अच्छी अकल होती है। आप भी चूना खा सकते हैं, मुंह में ठंडा गर्म पानी अगर लगता है तो चूना खा लो, ठीक कर दे। किसी को पीलिया हो गया, पीलिया तो चूना ही दवा है और कोई दवाई नहीं, पूरी पूरी दुनिया में नहीं है पीलिया की कोई दवा। ये जो लिफ 52 है ना, ये चूने का पानी है और कुछ नहीं। चूना आता है 50 पैसे का, लिफ 52 50 रुपए का, ऐसे लूट मार हो रही है आप। तो चूना खा लो, जॉन्डिस ठीक होगा। पीलिया कैसे खाएं? कनक के दाने के बराबर चूना दही में, नहीं तो लस्सी में, नहीं तो गन्ने के रस में, नहीं तो पानी में मिला के पी। किसी पुरुष के वीर में शुक्राणु बहुत कम है, आप उनको चूना खिलाओ, बहुत अच्छे से शुक्राणु बनेंगे। माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, चूना खिलाओ, बहुत अच्छा। मैंने कई ऐसे पति पत्नी देखे जिनको 10-10 साल से बच्चे नहीं थे, उनको चूना खिलाया और बच्चे हो, इतना आसान इलाज। प्राइमरी इनफर्टिलिटी की बेस्ट मेडिसिन है चूना। आप डॉक्टर के चक्कर में सालों साल भटकते रहना, कुछ नहीं होगा, और ये भगवान का दिया हुआ थोड़ा चूना खा लो, सब ठीक। और चूना बहुत सस्ता है, कहीं भी मिलता है, पान की दुकान पे खरीद लो। मैंने देखा चूने से 70 बीमारियां ठीक होती, इसलिए मैं आजकल सबको कहता हूँ चूना खाओ, चूना लगाओ मत कभी किसी को। ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए। माता इसको याद रखें, जब उम्र 45 साल की होती है किसी माँ की, 45 या 50 की, तो मासिक धर्म बंद होता है, फिर उसके बाद मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है। उस समय माताओं को जितनी तकलीफ है वो सब चूने से ठीक हो जाती। और कोई माँ गर्भावस्था में है और आप चाहते हो कि उसका बच्चा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उस माँ को जरूर चूना खिलाओ। कनक के दाने के बराबर चूना रोज सवेरे दही में मिला के पिलाओ, और माँ को जो गर्भावस्था में है रात को दूध में घी मिला के दे दो, तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होगा, स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, कम से कम उसका वजन 2.5-3 किलो होगा, और जिंदगी में वो बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। शरीर भी स्वस्थ, दिमाग भी स्वस्थ। चूना ऐसी अद्भुत चीज है। अब मुझे समझ में आया, हमारे पुराने जमाने के जो बुजुर्ग थे वो घर में एक पानदान रखते थे, सबके घर में पान और चूना रहता था, जब भी खाना खाया वो पान में चूना लगा के खा लिया, कोई अतिथि आया उसको खिला दिया। अब मेरे समझ में आया वो कितने होशियार लोग थे। तो आप भी करो, ये पान खाओ चूने का, कत्था मत लगाना उसमें, खाली चूना लगा के, बहुत बढ़िया चीज है।
बाल अगर किसी को मजबूत करने हैं तो चूना खाओ, आंखें ठीक रखनी है तो चूना खाओ, शरीर ठीक रखना है तो चूना खाओ। चूना रेजिस्टेंस बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, चूना खून बढ़ाता है। किसी को खून कम बनता है, चूना खिला दो, खून बहुत अच्छे से बने। एनीमिया के पेशेंट को मैं जो है ना अनार के रस में चूना पिलाता हूँ, बहुत तेजी से खून बढ़ता है, बहुत अच्छी चीज है। ये सब घर घर में है, बस आप उसमें ध्यान नहीं देते। मेरी तो यही कहने की बात है कि आप घर की दवाओं पे ध्यान दो, ये बाजार के चक्कर में क्यों फंस गए आप? भगवान ने इतनी चीजें हमको दे रखी हैं, इनका उपयोग करो। और